सियासत लगातार गर्मा रही है और बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में कल एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जितने भी निर्दलीय ब्राह्मण प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए थे उनके पर्चे नामांकन उनका रद्द कर दिया गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्राह्मण वोटर्स को लेकर के जाति समीकरण इस सीट पर बन रहे थे, तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही थी कि ब्राह्मण वोटर्स का रुख क्या होगा उसको देखते हुए ही चुनाव तय होगा। लेकिन ऐसी दशा में जब ब्राह्मण विहीन नेतृत्व हो गया है संसदीय क्षेत्र में, जानकारों का क्या मानना है वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यालय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला महामंत्री गणेश मिश्र हैं। आपको क्या लगता है कि क्या है इसके दूरगामी परिणाम और किस तरीके की राजनीति चल रही है? देखिए, वर्तमान समय की जो राजनीति है तो वो एक तो ब्राह्मण विहीन जिला कर दिया, टिकट भी नहीं दिया। हम लोग की जितनी भागीदारी है, ब्राह्मण समाज की भागीदारी 3 लाख 3.5 लाख के आसपास इस बांदा संसदीय क्षेत्र में है। एक भी टिकट तो दिया गया नहीं किसी भी पार्टी किसी भी दल द्वारा। इतनी घोर उपेक्षा आजादी से लेकर के अब तक नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मतदाताओं को, हमारे समाज के लोगों को कि इनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, बिखराव बहुत है। मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर दूं कि कोई बिखराव नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जहां जाएंगे, जैसे चींटी जाती है एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, हम लोग उसी तरह निकलेंगे और इस बार जवाब देंगे जिन्होंने हमारी अपेक्षा की है। और जो पार्टियों के रुख को लेकर आप क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खासतौर पर बुंदेलखंड में जाति का समीकरण बड़े देखे जाते हैं, विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं। अभी चर्चाएं होने लगी है कि ब्राह्मणों का वो सम्मान भाजपा में नहीं रह गया है, या लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण नया जो ब्राह्मण का नेतृत्व है वो कब पैदा होगा, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भरोसा मिश्रा का टिकट कटना और इसके बाद उनका ये कहना कि ब्राह्मण होने का मुझको खामियाजा भुगतना पड़ा, या जितने और निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका पर्चा रद्द कर दिया गया, या कोई और पार्टी ब्राह्मण को नहीं चुन पाई, क्या लगता है आपको, क्या है संदेश? देखिए, कुछ लोग थे जो सत्ता की दलाली करते और माल पानी कमाए और चलते बने, और इस दल से नहीं तो उस दल, तो अपना ठौ ठिकाना बदलते रहते हैं। समाज ने कभी अपना ठौ ठिकाना नहीं बदला। समाज ने जिस पहले कभी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी को अपना साथ दिया, फिर ब्राह्मण समाज ने भाजपा को अपना अटल जी के नेतृत्व में उनका साथ दिया। आज ब्राह्मण समाज के सामने जो धर्म संकट आया है, पहले तो SC ST वर्ग लगा दिया, इससे काफी खफा थे आप लोग, तो इसलिए इस वजह से हम लोग बहुत खफा हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत खफा हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, भाजपा को पता चल जाएगा, ये चुनौती है, ये बिल्कुल चुनौती है, हम लोग स्वीकार करते हैं। हमारी इतनी घोर उपेक्षा आजादी से लेकर अब तक के बांदा संसदीय क्षेत्र में, कहते तो बुंदेलखंड में, और मैं तो कहता हूँ अगर इन्होंने इतना ही विकास की गंगा बहा दी है तो बताओ कहाँ गंगा बह रही है। गंगा जी खुद गुहारी मार रही है कि मैं सूख गई, पेयजल का संकट है, सड़कें देखिए तो गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चल रहा इनका विकास क्या है, हवा हवाई विकास है। तो अभी क्या विचार चल रहा दिमाग में आप लोगों का? अभी हम लोग बैठकें कर रहे हैं, मंथन चल रहा है और कोई ना कोई निर्णय निकाला जाएगा और समाज हित के लिए निर्णय निकाला जाएगा। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि हम बगैर किसी दूसरी जाति की विरोध के बगैर हम अपने समाज को संगठित करते हुए और मुद्दों पर भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग तो मांग करते हैं कि बुंदेलखंड का चुनावी घोषणा पत्र अलग से होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ है गणेश मिश्र, जो एक प्रखर वक्ता के साथ साथ सामाजिक चिंतक भी हैं और उनका कहना है कि चुनावी मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे और खास तौर पे वो ये अपील करते हैं तमाम जो नेता हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, कि बुंदेलखंड का अलग घोषणा पत्र होना चाहिए तमाम उन मुद्दों को लेकर के, तमाम उन विकास के जो पैमाने हैं उनको लेकर के। अब देखना होगा कि ब्राह्मणों के नेतृत्व विहीन संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से राजनीति ने एक बार प्रति मारी है होगा क्या, इसके मायने क्या होंगे, ये देखने वाला वो होगा, दिन होगा। और आपसे एक अपील करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 6 मई को आप लोग मतदान जरूर करें और पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। अनुज अहमद की रिपोर्ट।